दोस्तों आखिर एमसी स्टैन और प्रियंका की घर में इतनी जबरदस्त लड़ाई क्यों हो गई? आखिर स्मोकिंग एरिया में एमसी स्टैन और प्रियंका के बीच ऐसा क्या हो गया जिसके बाद एमसी स्टैन ने प्रियंका को यहां तक कह दिया कि किसी का बाप भी मुझसे अब ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता? आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में बिग बॉस के घर में किसी बात को लेकर घर वालों के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई थी और इसी लड़ाई में घर में स्मोकिंग लाइटर भी टूट गया था। और जब एमसी स्टैन को सिगरेट पीना था तो एमसी स्टैन ने बिग बॉस से कहा कि उन्हें लाइटर दें क्योंकि लाइटर घर में टूट गया है। जिसके बाद एमसी स्टैन स्मोकिंग एरिया में सिगरेट पीने के लिए चले जाते हैं और उसी वक्त वहां पर प्रियंका भी सिगरेट पीने के लिए आ जाती है और प्रियंका एमसी स्टैन से सिगरेट मांगती है तो एमसी स्टैन प्रियंका को साफ साफ लाइटर देने से इनकार कर देते हैं। और फिर प्रियंका एमसी स्टैन से कहती है कि कोई बात नहीं कैप्टन, मैं इस बात की शिकायत कर दूंगी। और प्रियंका ये सब एमसी स्टैन से बहुत ज्यादा गुस्से में कहती हैं, जिसके बाद एमसी स्टैन प्रियंका पर गुस्सा हो जाते हैं और एमसी स्टैन गुस्से में प्रियंका को कहते हैं कि अब ये लाइटर मैं किसी के कहने पर भी नहीं दूंगा, किसी के बाप भी अगर मांगेगा तो भी नहीं दूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वेल, आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बिग बॉस से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।